नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। दोस्तों, एनएचएम स्टाफ नर्स एवं राजस्थान सीएचओ दोनों की भर्तियों का जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, न्यूज़पेपर के अंदर आलोक राज ने बोला है, हमने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है, उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगी, हम परिणाम जारी करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये जो चुनाव आयोग से इन लोगों ने अनुमति मांगी है कि हम लोग इस रिजल्ट को घोषित कर दें क्या, क्योंकि दोनों रिजल्ट तैयार इन लोगों ने कर रखे हैं और दोस्तों जल्द ही इन दोनों वैकेंसी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आचार संहिता जैसे ही एंड हो जाएगी, वैसे ही कम से कम 10 भर्तियों के 8,000 आवेदन और लेने बाकी हैं। 8,000 अलग अलग पदों पे दोस्तों वैकेंसी आनी बाकी है। तो दोस्तों, इसके अलावा 30 विभिन्न ट्रेंड्स है जिसके अंदर 8,000 पद अभी भी खाली है, जिनको इन लोगों ने अपने कैलेंडर में जारी कर रखा है और उन पदों पे भर्तियां भी इनको लेनी है। तो दोस्तों, एनएचएम जो खुद जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को क्लियर करना चाहता है, यानी कि दोस्तों नेक्स्ट मंथ तक आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा और जल्दी ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर ये निकल के आई है राजस्थान से। तो दोस्तों, 8,000 पदों पर और भर्ती निकलने की भी पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस प्रकार के जितने भी एडवर्टाइजमेंट या न्यूज देखने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है।